वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 6 पोइट्स एंड पेनकेक्स के जो हम कंटिन्यू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए डेली लेकर आ रहे हैं। आज हमने उसमें आपके एक शानदार ट्रिक वाला एक और वीडियो बनाया है, जिसे हमने सुबू का कैरेक्टर स्केच और साथ में सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिए थे। आज हमने आपके ऑफिस बॉय का कैरेक्टर, उससे आने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का एक कॉमन कंटेंट प्रिपेयर किया है, साथ ही इससे बनने वाले वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, जिनके आंसर्स इस हमने जो मैटर लिखा इसमें से बन रहे हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियोज? जेमिनी स्टूडियोज में ऑफिस बॉय क्या काम करता था? Why did he join the studios? स्टूडियो में वो क्यों आया था, क्यों ज्वाइन किया था? Why was he disappointed? और वो निराश क्यों था? इस पूरे क्वेश्चन का या कैरेक्टर स्केच लिख के ऑफिस बॉय का या और भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप में, तो उसका आंसर आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखना है। वर्ड लिमिट कंप्लीट हो रही है और हर चीज मैंने इसमें लिख दी है जो कि ऑफिस बॉय से रिलेटेड है, तो आपको ये आंसर तो इसका हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। अगर कई स्टूडेंट्स ने चैप्टर नहीं पढ़ा है या और जगह पढ़ा है, समझ में नहीं आया है, तो ऑफिस बॉय का काम क्या था, क्या हुआ, थोड़ा सा उसे हिंदी में आइडिया हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई वर्ड मिस हो गया तो उसको अगर हिंदी ट्रांसलेशन याद है तो वो उसको थोड़ा लिखकर आ सकता है, आइए समझ लेते हैं। द जेमिनी स्टूडियोज हेड एन ऑफिस बॉय। जेमिनी स्टूडियो में एक ऑफिस बॉय था। हिज वर्क वॉज टू मिक्स पेंट इन अ जॉइंट विसल एंड स्लेप इट ऑन द क्राउड प्लेट्स ऑन द डेज वेन देर वॉज अ क्राउड शूटिंग। उसका काम था एक बड़े जॉइंट यानी बहुत बड़े विसल यानी पात्र में क्या करता था, पेंट को, रंग को मिक्स करता था, और स्लेप यानी ऐसे लगा देता था किसके ऊपर, क्राउड प्लेट्स जो भीड़ की भूमिका अदा करते थे उन दिनों में जबकि क्राउड शूटिंग हुआ करती थी। अब ये बात ध्यान दे, ही वॉजंट अ बॉय, उसका नाम ऑफिस बॉय था पर वो ऑफिस बॉय नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली फोर्टीज, वो उसके 40 के शुरुआती दिनों में था। ही ज्वाइंड द स्टूडियोज बिकॉज ही होप्ड टू बिकम अ स्टार एक्टर। उसने स्टूडियो ज्वाइन किया था क्योंकि वो स्टार एक्टर बनना चाहता था और टॉप स्क्रीन राइटर बनना चाहता था या डायरेक्टर बनना चाहता था, निर्देशक और गीतकार बनना चाहता था, गीत लेखक, लिरिक्स राइटर। ही वॉज अ बिट ऑफ पोइट, वो थोड़ा कवि भी था। ही वॉज ग्रेटली टैलेंटेड, वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली था। बट ही वॉज मेड टू रोट इन अ डिपार्टमेंट डेट वॉज फिट ओनली फॉर बाबर्स एंड परवर्ट्स। लेकिन उसे रोट यानी सड़ने के लिए ऐसे डिपार्टमेंट में डाल दिया, मेकअप डिपार्टमेंट में, जो कि नाइयों के लिए और बदनाम लोगों के लिए बना हुआ था। ही वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही फेल टू बिकम डेट विच ही हैड होप्ड टू बी। वो डिसअपॉइंट क्यों हुआ, निराश क्यों हुआ, क्योंकि वो उस चीज़ को हासिल करने में जो उसने होप की थी, आशा की थी, फेल हो गया था, असफल हो गया था। ही ब्लेम्ड सुब्बू, वो सुब्बू पर ब्लेम लगाता है, आरोप लगाता है फॉर हिज फेलियर्स, उसकी असफलता के लिए। बिकॉज ही थॉट, वो सोचता था, डेट ऑल हिज ऊज इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू सुब्बू, कि उसकी जितने भी वेदनाएं हैं, उसको कष्ट हैं, उसको जितनी परेशानी आ रही है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, सब सुब्बू की वजह से किया जा रहा है, जो कि नंबर दो पोजिशन पर था जेमिनी स्टूडियो में। इसलिए वो सुब्बू से क्या करता था, नाराज रहता था, उसके प्रति ईर्ष्यालु था। क्वेश्चन नंबर वन शॉर्ट आंसर टाइप में, व्हाट वॉज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय एंड व्हाट वॉज हिज ड्रीम। उसकी उम्र क्या थी और उसका स्वप्न क्या था, तो यहाँ पर लिखना है ही वॉज इन से लेकर राइटर तक। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो मैंने मैटर लिखा हुआ है, इसके मैंने शुरुआती शब्द और लास्ट के शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आप इसी में से सेलेक्ट करें। एक और मेरी बात सुने, ये तो बड़ा आंसर है तो मैंने हर जगह सुब्बू नहीं लिखा, क्योंकि एक जगह पर नाउन आ गई तो फिर हम ही लिख देते हैं। लेकिन प्लीज़ आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आप इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर लिखें तो जहाँ पर ही से आंसर शुरू हो रहा है
उसकी जगह प्लीज आप फर्स्ट टाइम ही की जगह आप क्या लिख दें, सुब्बू लिख, सॉरी ऑफिस बॉय लिख दे, सुब्बू ना लिखे ऑफिस बॉय लिख दे, क्योंकि ये यही नहीं, जहां भी जिसका मेन कैरेक्टर है उसका आप नाम लिखे, संज्ञा पहले लिखे। ये मैं भी लिख सकता था पर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि फिर अगर मैं यहाँ पर ऑफिस बॉय लिख दूंगा तो आपको आंसर ढूंढने में परेशानी आएगी, इसलिए मैंने तो वही वर्ड लिखे हैं जो इसमें हैं। पर आपको ध्यान देना है, जैसे व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय, अब यहाँ लिखा हुआ है ही वाज इन, अब यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है ये देखिए ही वाज इन, क्योंकि मैंने लाइन में से उठाया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ ढूंढते हुए आएंगे, अगर मैं यहाँ पर ही वाज इन की जगह ऑफिस बॉय वाज इन लिख देता ही की जगह, तो आपको यहाँ पर थोड़ा चक्कर पड़ जाता, ऑफिस बॉय कहाँ है, कहाँ ढूंढे, यहाँ तो ही वाज इन है, इसलिए मैंने तो वही लिखा हुआ है। समझ गए होंगे आप, आपको ही की जगह ऑफिस बॉय लिखना है, ऐसे ही संज्ञा पहले लिखनी है। व्हाई डू यू थिंक ऑफिस बॉय ब्लेम सुब्बू फॉर इज ओन फेलियर, अपनी असफलता के लिए ऑफिस बॉय सुब्बू को क्यों ब्लेम करता है, तो इसका शुरुआत का वर्ड ये रहा ई वॉज ग्रेटली से लेकर स्टूडियोज तक, यानी कि आपको क्या करना है इसमें से, जैसे ये रहा ही वॉज ग्रेटली, अब ही वॉज ग्रेटली से ले लिया और आपको कहाँ तक लिखना है, फिर स्टूडियोज तक लिखना है। इसके बाद में वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों था, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन, किस पर उसने अपनी नाराजगी प्रकट की, तो टेंशन नहीं करना, क्वेश्चन नंबर दो का सेम आंसर है, यानी इसका और इसका आंसर सेम है। हु वॉज द ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय कौन था, वॉट वॉज इज जॉब और उसका काम क्या था, तो इसका आंसर द जेमिनी स्टूडियो हेड से आपको लिखना है, द जेमिनी स्टूडियो हेड एन से लेकर और 40 तक आपको लिखना है, यानी कि यहाँ तक आपको लिखना है, इसमें आपके क्या होगा, ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई डिड द ऑफिस बॉय गो इनटू द ऑथर्स रूम, ऑथर के कमरे में, लेखक के कमरे में ऑफिस बॉय क्यों गया, आंसर है, अब ध्यान से समझना, इसका आंसर इसमें से थोड़ा कम मैच कर रहा था, क्योंकि शुरुआत में हमें जो आंसर लिखना है वो वैसा का वैसा नहीं मिल रहा है, तो हमें क्वेश्चन में से आंसर निकालना है, कैसे निकालना है समझ लेना। व्हाई डिड द ऑफिस बॉय, तो व्हाई डिड हम हटा देंगे जब आंसर लिखो आप, तो ये मेरी बात ध्यान से समझ लेना, जब आंसर लिखो तो यहाँ से लिखना है, कहाँ से, द ऑफिस बॉय से, द ऑफिस बॉय गो को चेंज कर देना वेंट में, द ऑफिस बॉय वेंट इनटू द ऑथर्स रूम, ऑफिस बॉय यहाँ से लिखना है, मतलब आपको जब आंसर लिखो ऑफिस बॉय गो को लिख देना वेंट इनटू द ऑथर्स रूम, फिर आंसर वाली चीज हटा देना, टू टेल हिम डेट, उसे बताने के लिए कि ही वॉज ग्रेटली, अब आप समझ गए होंगे ही वॉज ग्रेटली यहाँ से लिखना है, ये मिल गया ही वॉज ग्रेटली से लेकर, और आपको यहाँ आंसर लिखना है पर वर्ड्स तक, ठीक है, यहाँ तक लिख देना है, तो आपका पांचवें क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हुआ। तो हमने आप लोगों के लिए कितने भी क्वेश्चन बन जाए ऑफिस बॉय का पूरा सार यहाँ पर लिख दिया है, इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कंटेंट आपको मैंने दे दिया है। इसी तरह आपके लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे, इसे अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स थैंक यू।